दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आज की जो हमारी रेयर वॉरियर हैं, वो इसी सोच से वो लड़ रही हैं। वो एक रेयर डिजीज वॉन विल ब्रांड से लड़ रही हैं। दोस्तों, ये जो डिजीज है वो लड़का लड़की दोनों में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक लड़की होते हुए हार ना मानना और अपनी लड़ाई लड़ते रहना आसान नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो ये कैसे कर रही हैं। लेकिन हाँ, वो दिखाने से पहले मैं उनकी एक छोटी सी झलक आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, करता हूँ अपने शो में। कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। हमें बताने लायक तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं वॉन मिलर डिजीज की पेशेंट हूँ। ये रेड डिजीज से उसी से हम लोग फाइट कर रहे हैं इस समय जी। और यही है कि भगवान ने इतनी हमें ये ताकत दे रखी फाइट करने की जी, उसी तह मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ जी। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैम, ये जो ये जी, ये आपको कब पता चला कि आपको ये डिजीज है? ये मुझे पता चल गया था जब मैं 3 साल की थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं खेलते खेलते जी, मैंने शादी में गई थी अपनी बुआ की, तो मैंने एक छोटी सी कांच का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर डाल लिया था। अच्छा। उसके बाद मेरी जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हुई, तो फिर मैं उस समय उत्तराखंड में गई हुई थी। उस समय तो वहाँ पे कोई साधन भी नहीं था, तो जैसे कैसे करके दिल्ली में लेके आए जी। दिल्ली में जाके फिर उन्होंने जो भी प्लाज्मा वगैरह जो ब्लड वगैरह होता था वो उन्होंने चढ़ाया। 2 दिन बाद फिर वो वापस लेके गए गांव। उसके बाद वो जो क्लॉट वहाँ जमा था वो दोबारा सा निकल गया। अच्छा। उसके बाद दोबारा हम दिल्ली आए, फिर वहाँ जाके भी उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि इस लड़की को कुछ ब्लड की दिक्कत है। ये बीमारी फिर धीरे धीरे बढ़ती रही हमारी बॉडी में। बढ़ने के बाद जब हम थोड़े और बड़े हुए, हमें और दिक्कत हुई, तो उन्होंने हमें डाउटफुल में लिया था कि इसको शायद जो हीमोफीलिक बीमारी है, जो इसको जो लड़कों में होती है, डाउटफुल में है कि इसको है कि नहीं है, तो अभी भी हमें क्लियर नहीं है। तो बाद में जब हम और बड़े हुए तो VWD करके हमें ये बीमारी हमारे बॉडी में जनरेट हो। अच्छा मैम, अभी हमारी जो बात हो रही थी, ये VWD और हीमोफीलिया में क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर कुछ नहीं है, बस वही ये ब्लड की बीमारी है। क्लॉटिंग नहीं बनता हम लोगों, क्लॉट नहीं बनता है जी। कि जैसे कि हमें चोट वगैरह लग जाए कि तो वहाँ पे जल्दी से वो हमारा हील नहीं होता बॉडी में। अच्छा। वो हमारे कहीं ना कहीं से हमारे इंजरी हो जाती है, वो वहाँ से ब्लड रिसता रहता है। अच्छा। बेहतर रहता है, वो रुकता नहीं है। रुकता नहीं है, तो उसको हम चढ़ा ठीक करने के लिए हमें फैक्टर चढ़ाना पड़ता है या फिर प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो फैक्टर आपको चढ़ाया जाता है उसे तुरंत आराम आ जाता है आपको? बिल्कुल, आधे घंटे में पता चल जाता बॉडी में कि ये चीज हमें रिलीफ मिल गया वहाँ। तो जब 3 साल की उम्र में आपको पता चला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, उस टाइम पे ये फैक्टर होते थे? नहीं होते थे। तो फिर कैसे कैसे आप? उस समय पता ही नहीं था कि बीमारी बॉडी में क्या है, सिर्फ वो प्लाज्मा और ब्लड यही हमारे बॉडी में चढ़ता था। यही चढ़ता था। अच्छा, तब में और अब में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है जी। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे टाइम में कुछ ही नहीं था। अभी मेरे को 8 साल हो गए, मैं ज्यादा ट्रीटमेंट करवाती हूँ जी। तो मेरे को तो खुशी मिलती है कि जो मेरे साथ के लोग हैं, जो भाई है, बहने हैं, उन्हें इतना अच्छा उपचार मिल रहा है जी। तो हम सोचते हैं कि काश हमारे टाइम में भी फैसिलिटी होती। ये हीमोफीलिया जैसे जेनेटिक बीमारी है, तो ये भी जेनेटिक बीमारी है क्या? बिल्कुल जेनेटिक बीमारी है ये। तो आपकी फैमिली में कोई है आपके अलावा कोई जिनको ये बीमारी हो? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट हूँ अपने फैमिली में। अच्छा। पूरा मैंने खोद दिया सब कुछ, पता कर लिए, नाना नानी वाने किसी में भी नहीं है। किसी में भी नहीं है? नहीं है।
तो मतलब ये बीमारी किसी को भी हो सकती है? किसी को भी हो सकती है ये बीमारी, लड़का और लड़की दोनों में होती है। तो कैसे ये लड़की होते हुए कैसे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप? दिक्कतें तो बहुत आती है लाइफ में। जब हम 16-17 जब आते हैं तो हमें जो लेडीज का जो दिक्कतें होती है उसमें भी काफी परेशानी होती है। अच्छा। जो डेट्स वगैरह होती है जी। वो काफी लंबी खींच जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो प्लाज्मा ही चढ़ाते थे पहले तो हम लोग, अब जिस तरह से फैक्टर आ गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट है। एक सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि एक टाइम ऐसा है जब आप अपनी लाइफ में टूट गए हो, कभी ऐसा टाइम आया है? तो थोड़ा बताइए इस बारे में थोड़ा, जो ऑडियंस थोड़ा। इसका तो कई बार आया हमारी लाइफ में जी। एक बार तो इतना खतरनाक आया था कि ऊपर या नीचे जाने का मन कर रहा था कि अब क्या करें अपनी लाइफ में। अच्छा। तो हुआ ये था कि हम स्कूल, मैं स्कूल से आ रही थी, फीवर होता है कि बॉडी में इतना पेन होता है, मैडम भी डांटती थी जी। ये काम पूरा नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, गेट के बाहर खड़े हो जाते थे। जैसे तैसे करके जब घर में आते थे तो घर में बहन के और मेरे बीच में कुछ दही को लेके झगड़ा हो गया था। अच्छा, दही को लेके? दही को लेके बात ये हुई थी कि मैं दही जमा के गई थी और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर थी उसने मेरे से बोला कि मैं तो तेरी दही का रायता बना दिया। अच्छा। तो दिमाग तो पहले से ही बाहर से गर्म था, मैं जब आई तो मैं और दोनों सिस्टर आपस में लड़ने लग गए। हाँ जी। तो मम्मी ने एक थप्पड़ मेरे को मार दिया। हाँ जी। प्यार से मारा, इतना जोर की नहीं, उनको पता है कि इसको मारूंगी तो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक उसको मार दिया। हाँ जी। और मैं भी ऐसे गुस्से में गई, मैंने नाइफ उठा लिया था। अच्छा। नाइफ उठा के मैंने कट मार दिया अपने हाथ में। हाँ जी। और अपने में काम वाम करने लग गई मजे में। हाँ। तो मम्मी एकदम चौंक के बोलती है ये पूरे घर में ये ब्लड किसका है? मेरे को इतना नहीं पता था। तो जब मैंने अपना हाथ देखा तो मेरा हाथ पूरा कटा हुआ था, ब्लड एकदम बह रहा। अच्छा, उस टाइम पे तो आपको पता था कि आपको ये रेड डिजीज? नहीं पता था। नहीं पता था। मैं खुद हॉस्पिटल गई धर्मशीला हमारे घर के सामने, वहां गई, फिर वहां पे जाके उन्होंने हल्का सा स्टिच वगैरह मार दिया, उनको भी नहीं पता था। अच्छा। फिर मेरे को उनको बताना पड़ा कि मेरा क्लॉटिंग बहुत उससे बनता है। तो वो गए मेरे पास, मेरे पापा आए, मेरे को एकदम, मैं लेटी हुई थी तो एकदम चौंक के देख के बोलते हैं क्या किया मैंने, कहा मेरे को गुस्सा आ गया था। तो उनके वर्ड थे कि तू मेरी सबसे बड़ी औलाद है और तूने मेरे को सबसे पहले पापा बोला था जी, जी। हमें छोड़ के कैसे जा रही थी। तो वहां से मेरे को व्हील पावर मिलती है जी। कि इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं वो लोग जी जी। तो दोस्तों एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हर इंसान की छोटी मोटी जो है हमेशा घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि जैसे देखो हमें एक एग्जाम्पल मिला कि अगर आपस में भी अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो इतने हद तक मत जाओ कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ या अपनी फैमिली को, क्योंकि वो पेरेंट्स जो है ना वो सहन नहीं कर पाते दोस्तों जी। मैम, तो एक ताकत मेरे को वहां से मिली है कि नहीं, मेरे पीछे भी स्टैंड लेने वाले मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है। आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? सबसे बड़ी ताकत तो मेरे माँ बाप ही है जी, जो हर पल मेरे साथ खड़े हुए नजर आते मेरे को। अच्छा। उसके बाद मेरे भाई बहन है। हाँ जी। जो हमेशा एक आवाज पे किसी भी परेशानी में दिक्कत में होती हूँ। हाँ। मैं आंखों के सामने रहा। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हम चार बहन और एक भाई है जी। तो आपके अलावा तो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, नहीं, किसी को नहीं। अच्छा सुनीता जी, जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स आपकी बैकबोन है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी माँ आपके बारे में क्या राय रखती है। मेरी बेटी सुनीता सबसे बड़ी है और उसको ये बीमारी बचपन से है, जब से 3 साल की थी तब से है। तो बचपन में इसका मुँह त्योड़ी से कटा था, तो फिर इसके दांतों में मतलब खून, रात को, दिन में नहीं, रात को खूब बढ़ती रहती थी। तो इसका खून, ब्लड बंद ही नहीं हुआ। फिर इसको हॉस्पिटलों में दिखाया, इस पर खून चढ़ाया तो फिर भी वो बंद नहीं हुआ। फिर कहीं कोशिश, कहीं जगह दिखाया हमने, फिर हमें किसी डॉक्टर ने बताया कि इसका मतलब प्लाज्मा बना के चढ़ता है। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद तो कहीं दफे हुआ इसके साथ ही आस्था, पर हमने भी हार नहीं मानी। और लड़की ने भी बहुत संघर्ष करा, बहुत ज़्यादा झेलती रही। फिर उसके बाद फिर क्या करें, स्कूल में भी जाती थी, 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद पढ़ना में डर लगता था कि कोई गाड़ी वाला ना मार जाए, कुछ ना मार जाए। उसके बाद इसको आगे नहीं पढ़ाया। हमारी लड़की सुनीता जो ऐसी बीमारी से लड़कियाँ पीड़ित हैं, वो उनके साथ है, वो उनके साथ है और उनके माँ बाप को भी बोलती है कि आप अपनी बेटियों पे ध्यान दें, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को ध्यान दिया,
आप भी उसी प्रकार से अपनी बेटियों का ध्यान दें, इस बीमारी को छुपाएं ना, इसको पब्लिक में लाएं और बताएं कि ये बीमारी कोई ना इलाज नहीं है। हमें अपनी बेटी पे नाज है, हमें अब पूरा गर्व है, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है कि वो सदा खुशी रहे और हंसती रहे। हमारा उसके साथ पूरा सहयोग, माँ बाप का जब तक हम जिंदे हैं तब तक पूरा सहयोग है। थोड़ा भावुक हो गए आपने, ऐसा क्यों? इतनी अच्छी चीजें बताई हैं आंटी ने आपके बारे में। बस ऐसे ही मन भर गया थोड़ा सा जी, क्योंकि हमेशा मेरे साथ वो रीढ़ की हड्डी बनके मेरे साथ खड़े रहे वो हमेशा जी। तो मैं भी नहीं चाहती कि उनको कोई मेरी वजह से दिक्कत हो। नहीं, आप तो प्राउड फील करा रहे हैं उन्हें। आप अभी आप पीछे बात कर रहे थे कि आप सोशल भी आप बहुत काम करते हैं। हाँ करती हूँ मैं। क्या क्या करते हैं आप? मुझे लोगों के हेल्प करना अच्छा लगता है, जितना मुझसे हो सकता है जी मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो दुख सबका एक जैसी होता है। बिल्कुल। कोई शरीर से दुखी होता है और कोई अपने पेरेंट्स वगैरह से दुखी होता है। बिल्कुल। तो जितना हो सके हम करने की कोशिश करते हैं। मैम किस तरह की हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की? जैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटीज में मेड वगैरह बहुत होती हैं। कोई कहता हमारा पहचान पत्र बना दो, आधार कार्ड बना दो, पेंशन करवा दो, तो राशन कार्ड बनवा दो। अच्छा लगता है कि किसी गरीब की मदद कर दे जी। तो खुशी भी मिलती है कि जब वो खुश होकर बोलती हैं कि दीदी मेरा काम हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा चलो किसी की दुआ तो हमको लगेगी। बिल्कुल लगेगी। तो वो चीज लेके मन को शांति मिलती है कि किसी का काम हुआ। देखो ये लोग रियली में ये लोग वॉरियर हैं। ये अपने बारे में अपने लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन ये दूसरों के बारे में भी सोचे। आपकी बहुत ही सोच को मैं सलूट करना चाहूँगा मैम। तो मैम ये लाइलाज बीमारी है और कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हो आप सोशल भी काम कर रहे हो आप, तो ये बहुत टफ है, तो किस तरीके से आप ये मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? जब नहीं कर पाते तो घर में बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं जी। उसमें चलना फिरना हमारा बिल्कुल बंद हो जाता है। हाँ जी। कि इसमें हम जितना आराम करेंगे उतना हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है जी। उस समय तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। माफी चाहूंगा, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन ये मैं तो जानना चाहता हूँ लेकिन हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी बस नहीं था विचार करना जी। ये नहीं कि रिश्ते, दो तीन फ्रेंड्स ने भी बोला था शादी करने के लिए मगर मेरा माइंड सेट नहीं था। अच्छा। क्योंकि जो प्यार मेरे को मेरे माँ बाप दे रहे हैं इस समय, आगे चल के क्या पता वो प्यार वहाँ से ना मिलता। जो आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, हाँ जी, जो आपने पीड़ा सही है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हाँ जी, जो इस ये बीमारियां रही हैं और प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। तो आप सोशल तो आप काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो आप इसे और बड़े लेवल पे करके उन लोगों को और सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे आप बता रहे थे, हाँ जी, तो वो क्या है वो बताइए। अभी तो जैसे हम छोटे लेवल में काम कर रहे हैं, एक एक ग्रुप में से हर एक लड़की को हम निकालते हैं, ढूंढते हैं कि इनको दिक्कत है, इनको परेशानी है। मगर मैंने अभी ये भी देखा है कि दिल्ली में तो ये थोड़ा ठीक है, मगर जैसे राजस्थान, जयपुर, जो दूर दूर की सिटी में है वहाँ पे ये लोग ये बीमारी को छुपाते हैं। अच्छा। वहाँ पे इन लड़कियों को बाहर ही नहीं निकालने दिया जाता जी। बिल्कुल। अभी मैंने एक हाल ही में एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, तो वो जब मेडिसिन लेने आती है तो अपने आप को बताती नहीं कि मेरे को ये दिक्कत है। तो फिर डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? आम जनता के सामने वो खुल के नहीं आते। अच्छा, आम जनता के सामने। जी जी जी। तो ये औरतों को ये चीज सोचना है कि हमें इसी समाज में रहना है और समाज से जुड़ के रहे, समाज से कट के कुछ नहीं मिलेगा, समाज से जुड़ोगे तो समाज भी उन्हें समझेगा, तो सामने आना चाहिए, सामने कहने आना चाहिए। जी। तो मैम जो आप ये सामाजिक काम जो आप ये कर रही हैं उसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा और थोड़ा डीपली थोड़ा समझाएं। अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं हम, तो चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों के साथ जुड़े, लोग हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल। जयपुर से भी मैं दो तीन लोगों को जानती हूँ, वो मेरे टच में रहते हैं। अच्छा। और बात करते रहते हैं मुझसे। हाँ जी। तो अब मैं तो सरकार से यही चाहती हूँ कि उन औरतों को भी, बेटियों को भी जितना उनको फैसिलिटी मिले अच्छा है जी। जब गवर्नमेंट दे रही है मेडिसिन तो हम उनका फायदा क्यों ना उठाएं। बिल्कुल, ये सब छुपाने वाली बात नहीं है, खुल के सामने आओगे तभी समाज बढ़ेगा और समाज चलेगा जी। और लोगों को भी आप जागरूक बनाओगे। बिल्कुल सही है। कि सपोज करो दोस्तों ये जो सीजन जो हम कर रहे हैं, रेयर वॉरियर्स जो सीजन कर रहे हैं, उसका बनाने का मकसद ये है कि जो जागरूकता है
लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अभी जैसे मैम ने बताया, आज बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा शीतल जी आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। तो ये है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। अच्छा, इसे आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे इसे? इसमें तो सबसे पहले तो हमें ऐसी औरतों को, ऐसी बहनों को हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा जी, कि वो जो खुल के सामने नहीं आती, हमें उनसे मिलने खुलने खुद जाना पड़ेगा। तो आपने ऐसा कुछ कोशिश की? मेरे साथ है 5-10 लेडीज़ जुड़ी हैं, मगर वो भी खुल के सामने नहीं आना चाहती हैं। अच्छा, वो सोचती हैं कि हमारी समाज में शादी नहीं होगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं सबसे पहले ये समझाना चाहती हूँ कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये किसी के छूने से नहीं फैलती है। अच्छा मैम, बहुत से लोग कतराते हैं कि ये छुआछूत की ये बीमारी नहीं है जी, तो थोड़ा बताइए। मैं सिर्फ देश के जनता से यही बोलना चाहती हूँ, ये जो बीमारी है ये छूने से, झूठा खाने से बिल्कुल नहीं फैलती है। ये सिर्फ एक डिजीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर है। अगर हमें बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है या कहीं पे चोट लगती है, तो वो हमारा जख्म जल्दी से भरता नहीं है जब तक हमें इसका फुल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। बस मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ जनता से कि ऐसे लोगों को आप अपनाएं, ऐसे लोगों को आप दूर ना करें। आप अगर उनको सपोर्ट करोगे तो ये लोग भी भविष्य में बहुत कुछ बन सकते हैं। क्योंकि देखो जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है मैम, कि लोगों में वो होता ही है कि यार ये मुझे ना हो जाए, या वो है ही वो। एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ। जी बिल्कुल। कि मैं जब थी छोटी सी, हाँ जी, तो लोगों को पता नहीं था कि इस लड़की को दिक्कत क्या है। ये हर बार हॉस्पिटल जाती है, हाँ जी, फिर आ जाती है, हॉस्पिटल जाती फिर आती है जी। तो वो सोचते थे कि मुझे ब्लड कैंसर है। अच्छा। तो मैं तो बोलती थी कि काश ब्लड कैंसर होता, हाँ जी, तो कम से कम एक पता तो होता कि हम कब जाने वाले। हाँ फिर उनको धीरे धीरे फिर हम लोगों ने समझाया कि हमको ये दिक्कत है जी। तो मतलब कि लोगों को अभी भी इस बीमारी के बारे में नहीं पता है कि ये बीमारी है क्या जी। बस यही है कि हमें हमारी मेडिसिन अगर टाइम से मिल जाते हैं तो हम और लोगों से भी बहुत आगे लाइफ में निकल सकते हैं। अच्छा मैम, ये थोड़ा ऑडियंस को ये बताइए कि ये VWD का टेस्ट क्या है? वॉन पिलीवरान डिजीज के टेस्ट, सबसे पहले तो इस बीमारी का बचपन से ही या फिर 5-6 साल के बाद पता चलना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा चलते चलते गिर जाए या उसको चोट लग जाए या उसके घुटनों में या हाथों में सूजन आ जाए, तो उसको हल्के में ना लीजिए। उसके अगर नीले थक्के बनते हैं कहीं पे बॉडी में या बाथरूम में या किसी चीज में ब्लड आता है या उसके दांत टूटते हैं, उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो सबसे पहले माँ बाप VWD का, वॉन बिलीवरान डिजीज का टेस्ट जरूर कराएं। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल में फ्री है। आप LNJP में भी जा सकते हो और एम्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे इसके टेस्ट फ्री होते हैं। मैम थोड़ा एक्सपर्ट की भी जानकारी ले लेते हैं कि एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हमने एक्सपर्ट की भी सलाह ली, तो देखिए एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। वॉन बिलीवरान डिजीज में जो प्रोटीन के तत्व की कमी होती है वो बड़ा विचित्र होता है। एक तरफ वो फैक्टर 8 के साथ लगता है और दूसरी तरफ खून की जो नलियां हैं उसके अंदर जो सेल की लाइनिंग होती है उसके अंदर लगता है। इस कारण से उसमें जो ब्लीडिंग के लक्षण होते हैं वो थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं। हालांकि उनको सीवियर ब्लीडिंग आ सकती है, लेकिन उनको त्वचा के अंदर वो लाल छपाकी भी पड़ सकती है। छपाकी मतलब जो ब्लीडिंग वाली होती है उसको एकिमोसिस या पेटीकी कहते हैं, वो भी आ सकते हैं। दांत से आ सकता है, नाक से आ सकता है, खून में जा सकता है। मासिक जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा हो सकती है। और ये जो है थोड़े अलग तरह के लक्षण होते हैं, इसको हम सुपरफिशियल ब्लीडिंग कहते हैं। ये कई बार इतना तंग नहीं करते हैं और उसकी वजह से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये चलते रहते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, क्योंकि वो बहुत सीवियर नहीं है, उस हालात में वो एनीमिया या खून की कमी भी पेशी कर सकते हैं। इसलिए इसका डायग्नोसिस ठीक समय पर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार डायग्नोसिस हो जाएगा उनको वॉन बिलीवरान डिजीज का तो इलाज मिल ही जाएगा, जिसका कि इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसकी वजह से, उसके लक्षणों की वजह से, उसके प्रेजेंटेशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हुई है जैसे खून की कमी या एनीमिया, उसका भी इलाज मिल जाएगा। तो टेस्ट की बात हो गई, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ अगर संदेश देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ जनता से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको या आपके आस पड़ोस में VWD की पेशेंट या कुछ ऐसी महिलाएं रहती है, तो उनको आप जागरूक करिए, उन्हें समझाइए कि ये बीमारी छूतछात की नहीं है, ये छूने से नहीं फैलती है। अगर आप लोग उनको सपोर्ट करोगे तो उनको भी एक सहारा मिलेगा आप लोगों से, और वो खुद
अपना इलाज करवाने के लिए सक्षम हो सकती हैं। और मैं उनके परिवार वालों को बोलना चाहती हूँ कि उन ऐसी औरतों को सपोर्ट वो हमेशा करें। अच्छा मैम, ये सोसाइटी और ये हमारी जो गवर्नमेंट है, आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? मैं सोसाइटी से सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ जी, कि हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जो बिल वगैरह जो भी पास होता है वो कम से कम कागज़ तक ना लाएं, हम लोगों तक वो स्कीम पहुँचे, जिस इससे हम लोगों का फ़ायदा ही होगा। इन लोगों से जो ये काम कर रहे हैं उनसे जुड़ें, और थोड़ी भी अगर इनको अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच मैम। और मैम, हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम अपने गेस्ट को कभी भी ना मुंह मीठा कराए नहीं जाने देते। तो हाँ जी, तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कभी डर लगे या आप अपने संघर्ष से घबरा जाएं, तो दोस्तों हमारे ये सुनीता जी और हमारे ये वॉरियर को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सो दोस्तों, मैं वीर चौधरी, मैं तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं आप लोगों के प्यार के लिए, जितना पहले एपिसोड में आपने बहुत प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से नए वॉरियर के साथ आएंगे। तब तक लॉट्स ऑफ पावर टू ऑल आर रेयर वॉरियर हु आर फाइटिंग देयर बैटल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।